हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 17वीं सेंचुरी फेमस विमेन राइटर एफ्राबेन। एफ्राबेन जो है, ये जो है फर्स्ट प्रोफेशनल विमेन राइटर थी। और आज इस वीडियो में इनके बारे में हम उनके लाइफ, उनके वर्क्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनके लाइफ से रिलेटेड, वो हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं एफ्राबेन। एफ्राबेन जो है किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एफ्राबेन एफ्राबेन जो है, इनका जन्म जो है 1640 के अंदर हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 1689 के अंदर हुई थी। सेकेंड पॉइंट है, ये मेन ड्रामेटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन एज, ये रेस्टोरेशन एज की मेन ड्रामेटिस्ट थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफन क्रेडिटेड विद बीइंग द फर्स्ट प्रोफेशनल वीमन राइट टू अर्न ए लिविंग बाय हर पेन बैन। और ये जो है फर्स्ट प्रोफेशनल वीमन राइटर मानी जाती है, नो कि वीमन राइटर बल्कि फर्स्ट वीमन राइटर, प्रोफेशनल वीमन राइटर मानी जाती है, जिन्होंने जो है राइटिंग को जो है अपने लिविंग का जो है एक सोर्स बनाया था, यानी उन्होंने जो है अपना आजीविका का एक साधन जो है वो राइटिंग को बनाया था। शी वॉज बोर्न इन वे नियर कैंटरबरी इन 1640 और इनका जन्म जो है वे जो है, जो कि कैंटरबरी में है, वहाँ पे 1640 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल्दो द डिटेल्स कंसर्निंग हर लाइफ आर स्कैंट एंड ऑफन बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, हालांकि उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो अंदाजे और अनुमान के ऊपर ही है। एविडेंस सजेस्ट दैट इन हर यूथ शी विजिटेड सूरीनम, और ये एविडेंस ही बताते हैं कि वो जो है अपने यूथ में जो है सूरीनम जो है एक जगह पे गई थी, वेयर शी हैड एन अफेयर विद द पॉलिटिकल रेडिकल विलियम स्कॉट, जहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर थे विलियम स्कॉट, उनके साथ उनका अफेयर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, रिटर्निंग टू इंग्लैंड शी मे हैव मैरिड ए मिस्टर बैन इन 1664, और ये माना जाता है कि उसके बाद जब वो इंग्लैंड वापस आई तो उन्होंने किसी मिस्टर बैन से जो है 1664 के अंदर जो है शादी की थी। शी वॉज प्रोबेबली विडोड एंड पेनलेंस बाई 1665, और ये माना जाता है कि 1665 तक एक साल के अंदर ही वो विधवा हो गई थी और उनके पास पैसे नहीं थे। टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, शी टुक एम्प्लॉयमेंट बाय द क्राउन किंग्स चार्ल्स सेकेंड, किंग्स चार्ल्स सेकेंड के पास जो है उन्होंने काम करना शुरू किया एज ए स्पाई इन एंट्रैप, और एक जासूस के तौर पे एंट्रैप में जो है वो काम किंग चार्ल्स के अंडर में जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। बट अराइविंग बैक इन इंग्लैंड इन डेब्ट, लेकिन जब वो इंग्लैंड वापस आई तो जो है वो कर्ज के अंदर डूब गई थी और 1668 के अंदर जो है उनको डेटर्स प्रिजन के अंदर डाल दिया गया था, यानी जो कर्जदार जो थे जहाँ पे उनकी जेल में उनको डाल दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देन शी स्टार्टेड टू सपोर्ट हरसेल्फ बाय राइटिंग प्लेस फॉर द लंदन थिएटर एंड लेटर नॉवल्स फॉर प्रिंट। इसके बाद उन्होंने जो है अपने लंदन थिएटर के लिए प्लेस लिखने स्टार्ट किए और कुछ नॉवल्स जो है प्रिंट करने के लिए भी लिखने उन्होंने स्टार्ट किए। नेक्स्ट पॉइंट है, शी इज बेस्ट नोन फॉर हर शॉर्ट नॉवल और नोको और द रॉयल स्लेव। जो एफ्राबेन है वो जो है स्पेशली जानी जाती है अपने नॉवल के लिए और नोको के लिए, और उसका फुल टाइटल है और नोको और द रॉयल स्लेव, जो कि 1688 के अंदर पब्लिश हुआ। द स्टोरी ऑफ ए कैप्चर्ड अफ्रीकन प्रिंस हु इज फोर्स्ड इनटू स्लेवरी इन सूरीनम, और ये स्टोरी है एक अफ्रीकन प्रिंस की जिनको जिसको कि मजबूर किया गया स्लेवरी के लिए सूरीनम के अंदर। उसकी अब इसकी जो ये जो वर्क है, ये नॉवल है, इसके बारे में जो है थोड़ी सी समरी जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ था, स्टोरी में क्या है, ओर्नोको फॉल्स इन लव विद द यंग वीमेन ओमोइंडा, जो है ओर्नोको को जो है एक यंग वीमेन से जो है प्यार हो जाता है ओमिनिंडा जो है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन देयर लव इज डिस्कवर्ड शी इज सोल्ड इनटू स्लेवरी टू सूरीनम, और जब उनके लव अफेयर के बारे में पता चलता है सबको, तो जो उसकी बेलाउड है
उसको जो है स्लेवरी में डाल दिया जाता है सूरीनाम के अंदर, यानी उसको जो है बेच दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वन डे ही इज़ यूनाइटेड विद बिलावट, और उसके बाद एक दिन जो है वो अपने बिलावट से फिर दोबारा से मिलता है। ही ट्राइज टू अटेन हिज फ्रीडम बट इज कॉट एंड बैडली बीटन, लेकिन बाद में जो है वो बहुत कोशिश करता है कि वो जो है वहाँ से उसको और अपनी बिलव्ड को वहाँ से आज़ाद करा ले, लेकिन वो जो है पकड़ा जाता है और उसको बुरी तरह से पीटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजिंग दैट देर इज़ नो वे आउट ही किल्स हिज लव एंड देर अनबॉर्न चाइल्ड, और ये सोच के कि यहाँ से निकलने का और कोई तरीका नहीं है, ये सोच के जो है वो अपने बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को और अपने जो है अनबोर्न चाइल्ड को भी मार देता है। एज सून एज ही इज़ अबाउट टू किल हिमसेल्फ ही इज़ कैप्चर्ड एंड लेयर एग्जीक्यूटेड, लेकिन जैसे ही वो अपने माँ बाप को मारने की कोशिश करता है उसको पकड़ लेते हैं और बाद में उसको फांसी पे लटका देते हैं। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो अफ्रामैन से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई थी कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, एक स्टेटमेंट दिया है, वर्जीनिया वुल्फ हैज ट्रेडेड ऑल वीमेन टुगेदर और टू लेट फ्लावर्स फॉल अपॉन द ग्रेव ऑफ अफ्रामैन फॉर इट वॉज शी हु अर्न दैम द राइट टू स्पीक देयर माइंड्स। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि सारी वीमेन्स को इकट्ठा होके और फ्लावर्स जो हैं वो अप्रवैन की ग्रेव जो है, जो उनकी जो समाधि है उनके ऊपर डालने चाहिए, क्योंकि ये वही थी, अप्रवैन ही थी जिन्होंने जो है सबके माइंड को बोलने का जो है जरिया दिया है, वो अधिकार दिया है। यानी जो फीमेल्स जो है बाद की फीमेल राइटर्स जो कुछ कह पाई, जो लिख पाई, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाई, ये सिर्फ इसीलिए कि अप्रवैन ने जो है उनके लिए जो है ये अधिकार लिया था, कि उनके लिए जो उनको जो ये अधिकार मिला है ये कहीं ना कहीं अफरा बहन की वजह से है। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट जो है वर्जीनिया वुल्फ ने दी थी। और क्वेश्चन बहुत बार ये आ जाता है कि जो ये स्टेटमेंट दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस राइटर ने ये स्टेटमेंट दी है, तो वर्जीनिया वुल्फ ने दी थी, और ये किसके लिए दी थी, अफरा बहन के लिए दी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अफरा बहन डाइड इन 16 अप्रैल 1689, और 16 अप्रैल 1689 को जो है अफ्रावैन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्नोको इज़ एट वंस एज एन एडवेंचर नरेटिव, और जो है ऑर्नोको जो है एक एडवेंचर नरेटिव है इसके अंदर, एंड ए हॉरिफिक टेल ऑफ अफ्रीकन एक्सपीरियंस इन द न्यू वर्ल्ड, और एक अफ्रीकन न्यू वर्ल्ड के अंदर जो है अफ्रीकन एक्सपीरियंस को जो है उसकी बहुत ही भयानक जो है ये कहानी है वो जो दिखाई गई है इस पूरे नावल के अंदर। ओवरऑल बैन कंपोज एटलीस्ट 16 प्लेज फॉर द स्टेज, कम ओवरऑल जो है अफरा बैन ने जो है 16 प्लेज लिखे थे स्टेज के लिए, एंड रोट 14 प्लेज ओनली 6 ऑफ विच वर पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, और उन्होंने 14 नॉवल्स लिखे थे जबकि केवल 6 ही जो है उनकी लाइफ टाइम के अंदर पब्लिश हुए थे। उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो इम्पोर्टेंट वर्क्स में सबसे पहले प्लेस उनका पहला प्लेस है द फोर्स मैरिज जो कि 1670 के अंदर पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है द एमोरस प्रिंस 1671 के अंदर पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है द डच लवर जो कि 1673 के अंदर पब्लिश हुआ था, और उन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेजेडी लिखी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अप्रवैन की ट्रेजेडी, तो उन्होंने एक ही ट्रेजेडी ली है एब्लेजर। एब्लेजर जो है ये इनकी एक ट्रेजेडी है वो जो कि पब्लिश हुई थी 1676 के अंदर। नेक्स्ट जो है उन्होंने कई सारी कॉमेडीज भी लिखी है, वो जो कॉमेडीज उन्होंने लिखी है वो है विटी कॉमेडीज ऑफ सेक्सुअल एंट्रिक्स, जो सेक्सुअल एंट्रिक्स के ऊपर जो है कॉमेडीज जो उन्होंने लिखी है वो है द टाउन फॉप 1676 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है द डिबाउची 1677 में पब्लिश हुई थी, और द काउंटर फिट ब्राइड ग्रूम, ये जो है इनकी कुछ जो है सेक्सुअल इंट्रिक्स कॉमेडीज हैं जो कि उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है उनका बेस्ट नॉन प्ले जो है वो कौन सा है, तो द रिवर पार्ट 1 एंड 2 जो है उनका बेस्ट नॉन प्ले है, और द रिवर के अंदर स्टोरी क्या है, इट वॉज जो है सॉरी इट वॉज सो फेमस दैट किंग चार्ल्स मिस्ट्रेस एंड फेमस एक्टर नेल गायन केम आउट टू प्ले द रोल ऑफ ओवर एंजेलिका बियानका,
और ये जो प्ले जो था वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि किंग चार्ल्स की जो मिस्ट्रेस थी और जो एक एक्ट्रेस भी थी नेल जो गॉन जो है वो इस प्ले का में जो है वॉर का रोल करने के लिए सामने आई थी। और जो वॉर थी वो कौन थी, एंजेलिका बियानका जो है इस प्ले के अंदर थी। नेक्स्ट जो है वो ये प्ले है दरोवर। द प्ले सेंटर्स राउंड टू पेयर्स ऑफ लवर्स, दो पेयर्स जो हैं लवर्स के उनके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है और ये दो जोड़ों के आसपास जो है ये सारी स्टोरी घूमती है। दो जोड़े कौन कौन से थे, हेलेना एंड विलमोर और दूसरा था फ्लोरिनर एंड बेलवी बेलविली और फ्लोरिंडा। और ये जो हेलेना और विलमोर ये जो टू पेयर्स ऑफ लवर्स हैं इनके अराउंड जो है सारी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो ये जो इनका प्ले था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट इनका जो है वर्क है द यंग किंग जो कि 1679 के अंदर पब्लिश हुआ, द राउंड हेड्स 1681, लाइक फादर लाइक सन 1682, द एम्परर ऑफ द मून 1687। नेक्स्ट है इनके नॉवल्स। नॉवल्स हैं इनके लव लेटर्स बिटवीन ए नोबल मैन एंड हिज सिस्टर जो कि 1684 के अंदर पब्लिश हुआ। और फेमस जो वर्क है वो जो मैंने मतलब अभी बताया था ओरोनोको जो 1688 के अंदर पब्लिश हुआ। उसके बाद इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। शॉर्ट स्टोरीज कौन कौन सी है, द हिस्ट्री ऑफ द नन और द फेयर वो प्रेकर। नेक्स्ट है द डम्प वर्जिन और द फोर्स ऑफ इमेजिनेशन जो कि 1700 के अंदर पब्लिश हुई। नेक्स्ट है उनके पोइट्री कलेक्शन। पोइट्री के अंदर सबसे पहला है उनका पोइम्स अपॉन सेवरल ओकेजन्स विद ए वॉयज टू द आइलैंड ऑफ लव जो कि 1684 के अंदर पब्लिश हुआ। नेक्स्ट और लास्ट इनकी जो पोइट्री कलेक्शन है वो है लिसिडस और द लवर इन फैशन जो कि 1688 के अंदर पब्लिश हुआ। तो ये जो है अफ्रा बेन से रिलेटेड और जो है उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो कि उन्होंने लिखे हैं। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है राइटर हैं और एग्ज़ाम के अंदर उन अफ्रा बेन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इससे जो है आपको जो है अफ्रा बेन से रिलेटेड जो है थोड़ी नॉलेज मिलेगी। तो इसी के साथ होप करते हुए कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।